अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी और मज़े की रेसिपी है। यहाँ पर मैंने दाल भिगो के रख दी है, आधा किलो दाल है, और चिकन को मैंने सिरके के अंदर भिगो कर रख दिया है और थोड़ी देर बाद मैंने इसको धो लिया था। अच्छा, अब जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपको फर्दर दिखा देती हूँ। दाल मैंने ली है आधा किलो, जिसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, और इससे ये होता है ना कि दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी पक जाती है। साथ में मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, ये एक फुल चिकन था, और इसमें से मैंने जो है ना जो बोनलेस पार्ट्स होते हैं ना वो लेके मैंने दाल में डाल दिए थे। तकरीबन 1/2 kg इक्वल ही चिकन हो गया होगा। एक अदद प्याज मैंने लिया बड़े साइज़ का, और इसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया। लहसुन अदरक मैंने मोटा मोटा पीस लिया, और 1 चम्मच में ये लूँगी। अच्छा, अब जो स्पाइसेस जाएंगे इसमें, नमक जाएगा इसमें, गरम मसाला साबित जाएगा, साबित गरम मसाले में दालचीनी हम लेंगे 1 इंच का टुकड़ा, इसके अलावा बड़ी इलायचियाँ मैंने ले ली हैं, यहाँ पे 2 अदद लौंग मैंने ले लिए हैं 2 से 3 अदद, और साथ में काली मिर्चें और जो ज़ीरा होता है वो गरम मसाले का हिस्सा होता है। अच्छा, इसके अलावा पिसी हुई काली मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1/2 चम्मच। अच्छा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने कम डाली थी। हल्दी मैं इसमें लूँगी 1/2 चम्मच, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, और इसके अलावा पानी इसमें जाएगा हसबे ज़रूरत। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि एकदम से सारी चीज़ें कुकर के अंदर डाल के नहीं बॉईल करनी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया कुकर के अंदर, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। थोड़ी सी खुशबू हमें इसकी चाहिए, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। इससे क्या होगा कि जो हमारे शामी कबाब है ना, इनमें बहुत मज़े की खुशबू, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। चिकन के अंदर जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर लिया था, और चिकन को मैं बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए भूनूंगी। बस इतना मैंने भूनना है कि इसकी स्मेल चली जाए और इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो मैंने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, और स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको हल्का सा बस मिक्स करूँगी। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पकाने की और भूनने की ज़रूरत नहीं होती, बस हल्का हल्का सा आपने करना है सब कुछ। अच्छा, इसी स्टेज पे ना मैं इसमें डाल लूँगी प्याज, प्याज के साथ साथ दाल मैंने इसमें ऐड कर दी, और साथ ही जो है ना मैं इसमें ऐड कर लूँगी पानी। अच्छा, पानी मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 ग्लास डाला था, फिर मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने 1/2 ग्लास और भी डाल लिया। मतलब पानी आपने इतना लेना है कि जो हमारा दाल और ये जो मिक्सचर सारी चीज़ें हैं ना, ये अच्छी तरह से पानी के अंदर डिप हो जाएं। बस इतना पानी आपने लेना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हर एक चीज़ जो है ना पानी के अंदर डिप है। उसके बाद आपने कुकर का ढक्कन बंद कर देना है, और यहाँ पे जी मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही थी बड़ी मेहनतों के बाद, बड़े जतन करने के बाद आखिरकार मेरी भाभी ढक्कन बंद करने में कामयाब हो गई थी। और जी कुकर में फिर जो है ना मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉईल किया था, और बस तो 10 मिनट बाद जो इसकी शक्ल थी ना वो कुछ इस तरह सी थी। पानी इसका बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल परफेक्ट जैसे मुझे चाहिए था, बिल्कुल उसी तरह का ये मिक्सचर रेडी हो गया था। आप अगर अपने घर में ट्राई कर रहे हैं और पानी इसमें आपको अभी भी थोड़ा सा मिले, बचा हुआ हो पानी, तो आप उसको चूल्हा तेज़ करके जो है ना अच्छी तरह से सुखा लें, क्योंकि पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस स्टेज पे जो है ना मैं गरम मसाले के जो अज्जा थे जो कि पिसते नहीं हैं, वो अज्जा इसमें से निकाल लूँगी, दालचीनी वगैरह, और चिकन जो है ना वो भी मैंने अलग कर लिया। इसमें जो छोटी छोटी सी हड्डियाँ होती हैं वो मैं इसमें से निकाल लूँगी, और उनको निकाल लेने के बाद जो है ना मैं इसको पीस लूँगी। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ही लिया था, लेकिन जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं ना वो तो ज़ाहिर चिकन में होती हैं, वो मैंने उस टाइम पे नहीं निकाली थी, तो इसलिए मैंने इस स्टेज पे आके बोन्स को अलग कर लिया था, और तब उसके बाद मैंने इस चिकन को पीस लिया था। अगर आपने बिल्कुल ही बोनलेस चिकन लिया है तो आप कुकर के अंदर ही दाल और चिकन को एक साथ पीस सकते हो, लेकिन उसको आपने गरम गरम पीसना है। जितना गरम होगा उतना अच्छा इजीली जल्दी से पीस जाएगा, लेकिन अगर मसाला ठंडा हो गया तो फिर जो है ना उसको पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे मैंने चिकन को अलग से पीस लिए, और दाल को मैंने अलग से जो है ना कुकर के अंदर ही पीस लिया था, तो ये बहुत मज़े का जो है ना ये पिस गए थे दोनों चीज़ें।
अच्छा अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लेना है और उसको मैं करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। अब अंडा डालने का जो प्रोसेस है ना वो दो तरह से होता है, या तो आप इस स्टेज पे इसमें एक या दो अदद अंडे डाल दो और उसको मिक्स करो तो ये कबाब नहीं टूटेंगे, या फिर आप कबाब बना लेने के बाद जो है ना फ्राई करने से पहले अंडे के अंदर डिप करके फ्राई करो, जिस तरह से आपको ईजी लगे। मैंने मसाले को मिक्स करते हुए ही इसमें एक अंडा ऐड कर लिया था जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, और उसके बाद कबाब बना के फ्रीज़ कर लिए थे। तो जी बहुत मज़े के कबाब हैं, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।